मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय वसीयत विल से संबंधित बतलाने जा रहा हूं। किस प्रकार विल को या वसीयत को आप रद्द कर सकते हैं। मित्रों मैंने इस चैनल पर वसीयत के संबंध में दो एक वीडियो और भी बनाए हुए हैं जिन्हें आप इस चैनल में देख सकते हैं। वसीयत कोई भी व्यक्ति सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल हो उस प्रॉपर्टी चल या अचल संपत्ति के विषय में जिस किसी भी व्यक्ति को अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की यदि वसीयत करता है जिसे चाहे वह दे सकता है अपनी संपत्ति जो स्वयं अर्जित की है स्वयं कमाई हुई है। दूसरा ये कि अगर उसको कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो दूसरे व्यक्ति से इनहेरिट उसने किए तो उसमें इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के कानूनी लागू होंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या एक बार की गई वसीयत को वो व्यक्ति रद्द कर सकता है। मित्रों जैसा कि आप जानते हैं व्यक्ति अपने जीवन काल में कितनी भी बार वसीयत को बना सकता है। जब वो नई वसीयत बना देता है तो पिछली वसीयत रद्द हो जाती है। अब वसीयत कब रद्द की जा सकती है कब रद्द उसको माना जाएगा इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के अंतर्गत ये एक वसीयत काफी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है। व्यक्ति अपनी स्वयं की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की जो भी चल अचल संपत्ति उसने स्वयं के मेहनत से अर्जित की है उसको किसी भी व्यक्ति को वसीयत द्वारा दे सकता है। कानूनन जो इनहेरिट प्रॉपर्टी है उसके फोर फादर्स से या उस तरह से आ रही है बंटवारे में उस प्रॉपर्टी की वसीयत नहीं कर सकता है। अपने जीवन काल में व्यक्ति जब चाहे कितनी भी वसीयत कर सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को वो जिसको भी देता है वो चाहे तो उस बेनिफिशियरी को उसकी सूचना देकर उसे रद्द कर सकता है। दूसरा ये कि जब उसकी माइंड या जो भी मानसिक स्थिति है सही हालत में नहीं है तो ऐसी स्थिति में की गई वसीयत को वो चाहे तो रद्द कर सकता है रद्द हो सकती है कैंसिल। स्वस्थ और अच्छी हालत में ही उसका होना जरूरी है अर्थात मेंटल कंडीशन सोचने समझने की स्थिति सही हो। दूसरा ये है कि पहली की वसीयत जो भी उसने की है उसके और बच्चे पैदा हो गए कोई डायवोर्स हो गया उसने दूसरी शादी कर ली परिस्थितियां बदल गई तो भी वो वसीयत को रद्द कर सकता है। अंडू इन्फ्लुएंस में या कोई अनुचित प्रभाव में जैसा फ्रॉड है मिसरिप्रेजेंटेशन है इस तरह की कोई अगर वसीयत बनी है तो वो वसीयत को रद्द किया जा सकता है। वसीयतकर्ता की दिमागी हालत अगर ठीक नहीं है मेंटल कंडीशन तो वो रद्द की जा सकती है। गवाह अगर प्रॉपर नहीं है उस गवाह को पता ही नहीं था कि इस वसीयत में क्या लिखा है तो उसे चैलेंज होने पर रद्द किया जा सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जैसे रिश्तेदार वगैरह प्रोबेट क्या होती है रिश्तेदार जब जो अफेक्टेड पर्सन है उनको या उसके जो भी बच्चे वगैरह हैं उनको बुलाकर ये कोर्ट तय करेगी प्रोबेट में नोटिफिकेशन होगा कोर्ट पूरी एग्जामिन करेगी कि वास्तव में इस वसीयत के कौन कौन उत्तराधिकारी चैलेंज होने पर। कोडिसिल वो होता है जिसमें जो भी वसीयत की गई है उसमें कोई फेरबदल कर दिया कोई एक्सप्लेनेशन उसमें दे दिया पार्ट ऑफ वसीयत उस में उस सब्जेक्ट को ऐड कर दिया गया तो ये कोडिसिल उसका पार्ट कहलाएगा और दोनों एक साथ पढ़ी जाएगी पिछली वसीयत और वो जो उसने एक्सप्लेनेशन या एडिशन किया है। द पर्सन कैन एग्जीक्यूट न्यू विल एट एनी टाइम अर्थात वो कभी भी नई वसीयत को लिख सकता है पुरानी वसीयतें उसमें रद्द मानी जाएंगी कानून स्थिति है। वसीयत को चैलेंज होने पर प्रोबेट के लिए कोर्ट नोटिस निकालेगी पेपर में पब्लिकेशन देगी विवाद को तय करने के लिए एविडेंस लेगी और बाद में वो प्रोबेट उस वसीयत के बारे में जारी करती है। सिविल कोर्ट में भी इसे चैलेंज किया जा सकता है कोई डिस्प्यूट पैदा होने की दशा में किराएदार या अफेक्टेड पर्सन को सुनेगी पहली वसीयत में चेंज किया है या एक्सप्लेनेशन किया है या विषय बदला गया है तो ये पार्ट कोडिसिल कहलाएगा और इसे एक साथ पढ़ा जाएगा। तो इस प्रकार कुल मिलाकर वसीयत एक अत्यंत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो व्यक्ति अपने जीवन काल में लिखता है और ये आफ्टर डेथ अर्थात उस व्यक्ति की वसीयतकर्ता की मृत्यु होने पर इफेक्टिव होती है। वसीयत स्वयं की अर्जित की हुई अचल और चल संपत्ति की वसीयत कभी भी की जा सकती है उसके अलावा भी वसीयत कभी भी रद्द की जा सकती है। कानूनन जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसे किसी को भी व्यक्ति दे सकता है ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा जो भी बेनिफिशियरीज आ रही है उन्हें सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी अगर वसीयत रद्द करता है उसकी सूचना देनी होगी। स्वस्थ और अच्छी हालत में ये वसीयत की जाएगी अंडी इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए दिमागी हालत उस समय वसीयतकर्ता की ठीक होना चाहिए गवाह अगर प्रॉपर नहीं है तो वसीयत रद्द की जा सकती है। तो इस प्रकार मैंने वसीयत रद्द करने के बारे में कैंसिलेशन ऑफ विल
कब होता है, कब इनवैलिडिएट हो जाती है, इस बारे में इस वीडियो में बताने का प्रयास किया। ये इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के अंतर्गत वसीयत या विल बनाई जाती है और ये बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है अपनी प्रॉपर्टी का भविष्य के लिए। आप इस दस्तावेज के द्वारा आपकी मृत्यु या जो भी व्यक्ति वसीयत लिख रहा है वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद ये लागू होती है। तो मित्रों, मैंने इस चैनल पर कई लीगल वीडियोस अपडेट करता जा रहा हूं। यदि अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं और आपने मेरे इस चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले तुरंत आप यूट्यूब पर सर्च में जाकर पैरामीटर ऑफ लॉ के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि मेरा ये वीडियो आपको वसीयत के संबंध में अच्छा लगा हो तो इसको कृपया अपने मित्रों को, दोस्तों को, परिचितों को, साथियों को, जिनको भी आप जानते हैं, लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार मित्रों, इस चैनल पर जो भी आपका स्नेह और प्यार मुझे मिल रहा है इसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ और आशा करता हूँ कि मेरे वीडियोस आपको लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कानून की जानकारी बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।